अल आदिलो अल वकीलो, दोनों में कोताही नहीं बरतनी। कल पूछा जाएगा, अभी तो जिंदगी गुजार लोगे, आखिर देखनी है। आपको आईन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, और शरा आईन के आर्टिकल 227 में लिखी है। मैं तो एक अदना सा तालिबे इल्म हूं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब भी गुस्ताखी हुई है, चाहे वो फेसबुक ने की है या किसी और ने की है, फ्रंट फुट पे कोशिश की है, और बैन अल-अक़वामी तौर पर यूएनओ वगैरह में मैंने बाकायदा, और मैं बताता चलूं, ये सिर्फ हमारा कानून अलहदा नहीं है, इस पे कवानीन पूरी दुनिया में मौजूद है। कॉम्बैटिंग रिलीजन के ऊपर बाकायदा यूएनओ की रेजोल्यूशन मौजूद है। बड़ी सीरियस ही बात है कि जब आप पे कलमा पे ईमान ही नहीं, फिर दीन पे कैसे ईमान आ गया। दीन तो वो है जो कलमे की बुनियाद पर है। और दो बातें बड़ी वाजेह है, आका है दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, हो ही नहीं सकता ता क़यामत तक, तो हमारे तो ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल हर एक को हक है, अगर कुछ काम करना चाहता तो करे, लेकिन हमारा आईन जिस बात की इजाजत नहीं देता, हमारा दीन किसी बात की इजाजत नहीं देता, तो आप काम नहीं कर सकते। मैं किसी के जिंदगी गुजारने से कोई सरोकार नहीं है, वो गुजारे, लेकिन अपने आप को वो मुसलमान नहीं कहला सकता। बेशक, तो ये याद रखना है हम सब ने। इस मामले पे आप देख लें हमारी गोखला बरादरी सब कितनी खड़ी है। हम किसी भी स्टेज पे जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस मामले में साथ खड़े हैं और साथ खड़ेंगे। गुलाम है, गुलाम है, रसूल है, गुलाम है, रसूल में मौलवी कबूल है, कादियानियत मुर्दाबाद, कितने कादियानियत मुर्दाबाद, कितने कादियानियत मुर्दाबाद, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसाला या रसूल, नारा हैदरी, मर्दाइयों पे लानत, बेशक।